वरुण आई केयर, सी द वर्ल्ड बेटर। मेरा अनुभव विट्रोरेटिनल सर्जरीज और यूविया की बीमारियों में करीब 6 वर्ष का हो चुका है। मैंने अपनी ट्रेनिंग एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से करी हुई है। हमारे अस्पताल वरुण आई केयर में रेटिना से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज सबसे एडवांस्ड और सबसे जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ केयर है उसको हम देते हैं। यहाँ पे सारी पर्दे से संबंधित बीमारियाँ जैसे डिटैचमेंट, मैकुलर होल, पर्दे पे झिल्ली बनना, पर्दे पे छेद होना, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये सभी बीमारियों का जो भी औपचारिक ट्रीटमेंट और पूरा इसमें जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, इंजेक्शंस, लेज़र्स, रेटिनल सर्जरीज, वो सब हम यहाँ पे मरीजों को सेवाएँ देते हैं। हमारे पास पर्दे से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे OCT, फंडस कैमरा, एंजियोग्राफी, लेज़र्स, अल्ट्रासाउंड, वो सब हम लोग उन्हें अपने अस्पताल में लगा रखे हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट में कोई भी कमी हम आने नहीं दे पाए। हमारा जो एम ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ पे, बेसिकली सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मरीज को एकदम किफ़ायती दरों में अवेलेबल कराना है। यहाँ का ट्रीटमेंट कई बार मरीज सोचते हैं कि हम छोटे शहर में ना करा के, क्योंकि पर्दे का इलाज अमूमन तौर पे बहुत बड़ा इलाज समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सारे उपकरण और सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अस्पताल में हैं, जो कि सारे एज कम्पेयर टू बड़े शहरों, जैसे मरीज की मानसिकता होती है कि दिल्ली में जाके इलाज कराएं, ऐसी सेवाएं हम अपने शहर, अपने अस्पताल वरुण आई केयर में प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि मरीज को सारी बीमारियों के लिए अलीगढ़ से दिल्ली तक की दूरी तय ना करके अपने शहर में ही उच्चतम इलाज उसका संभव है। पर्दे की बीमारियों में सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट होता है वो होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता करना। इस बीमारी को पता करने के लिए कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स का इस्तेमाल करा जाता है, जिनमें कि पहली और प्रथम जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है वो है ऑप्टिकल कोरस टोमोग्राफी या फिर OCT जिसको बोलते हैं। मरीजों की भाषा में ये समझ लीजिए कि पर्दे का स्कैन या फिर CT स्कैन उसको बोला जाता है। इसी से हम 90% बीमारियां जो हैं पर्दे की वो डायग्नोस करते हैं। बाकी उपकरण जैसे कि फंडस कैमरा, एंजियोग्राफी, लेजर्स, ये सब भी पर्दे के इलाज में उच्चतम तरीके से जो उपचार होना चाहिए उसमें इस्तेमाल की जाती है। ये सारे उपकरण हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं और इन्हीं के आधार पर हम पर्दे की बीमारियों के इलाज की सुविधा मरीजों को प्रदान करते आ रहे हैं। अमूमन तौर पे देखिए, पर्दे का इलाज मरीजों को ये भ्रम रहता है या फिर आम जनता में हमारे भ्रम है कि पर्दों के इलाज संभव नहीं है, बल्कि लेकिन अब ये आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक विधि द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं उनमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट दो होती हैं। एक तो टाइमिंग होता है सर्जरी। टाइमिंग से मतलब है जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए, जैसे पर्दा निकल गया उसको जितनी जल्दी अपनी जगह पर लगा दिया जाए उतनी अच्छी रोशनी आ सकती है। दूसरा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इस दौर में जो मशीनें हैं उनका साइज़ या फिर मोटाई या फिर जिसको गेज बोलते हैं इंग्लिश में, वो बिल्कुल कम कर दिया गया है, जिससे कि टिश्यू हैंडलिंग जो है आँख के अंदर वो मिनिमम हो और रिजल्ट्स उतने ही बेहतर हो पाए। हमारे अस्पताल में हम लोग एक और अच्छी सुविधा, पर्दे से संबंधित जो बीमारी नवजात शिशुओं में, जो कि जन्म 9 महीने से पहले जिनका जन्म होता है या फिर जो जन्म पे बहुत जिनका वजन कम होता है, शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ होते हैं, तथा NICU वगैरह में जिनका काफ़ी दिनों से स्टे रहता है और ऑक्सीजन लंबे समय से चलता है, उसमें पर्दे की बीमारी होती है रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, इसमें बच्चे के अंधे होने का डर रहता है। उसकी स्क्रीनिंग, उसके उसमें इस्तेमाल होने वाले इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन, लेजर्स अथवा सर्जरी, सब कुछ हम अपने सेंटर पे अपने मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि उनको बड़े शहरों में ना जाना पड़े और उनको अपने शहर में ये इलाज मिले। हम लोग अपने सेंटर में एक पर्दे की बीमारी जो कि नवजात शिशुओं में होती है, जिसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, जो कि बहुत ही विजन लॉस जिसमें बच्चे को जीवन भर हो सकता है, उससे बचने के उपाय, उससे बचने की स्क्रीनिंग, उससे बचने के लिए जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन, लेजर्स, ये सब हम अपने सेंटर की सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं। ये बीमारी जनरली जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जो उनका जन्म अपने 9 महीने से पहले हो जाता है, या फिर जो शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ होते हैं जन्म पे, या शारीरिक रूप से जिनका वजन जो होता है कम होता है, या फिर जिनका NICU स्टे और ऑक्सीजन जिनको
बहुत लंबे समय से चलता है उनमें होने के संभावना इस बीमारी के बहुत ज्यादा होते हैं। वरुण आई केयर, सी द वर्ल्ड बेटर।